राजधानी जयपुर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को लेकर जयपुर साउथ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर की ज्योतिनगर थाना पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए वाहन चोर भूर सिंह उर्फ सुखा और रूप सिंह है। मामले की जानकारी देते हुए ज्योतिनगर थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि बीती 12 दिसंबर को लालकोठी सब्जी मंडी में एक बुलेट बाइक की चोरी की वारदात सामने आई थी। वाहन चोरी की वारदात के बाद ज्योतिनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की। देर रात नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने टोंक रोड से चोरी की बुलेट बाइक पर जा रहे दो युवकों को दबोच लिया। पुलिस ने भूर सिंह और सुखा और रूप सिंह से पूछताछ शुरू की तो सामने आया कि ये युवक शहर में करीब 1.5 दर्जन वाहन चोरी की वारदात अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इन वाहन चोरों से चोरी की 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि ये वाहन चोरी शहर के पार्क, सब्जी मंडी, कोचिंग सेंटर और अन्य स्थानों के बाहर से मास्टर चाबी के जरिए करते थे। जगतपुरा या प्रतापनगर इलाके में सुनसान प्लाटों में इन वाहनों को खड़े कर कुछ दिनों बाद वहां से ले जाकर सस्ते दामों पर जयपुर से बाहर भरतपुर इलाके में बेच देते थे। हमने दिनांक 19 तारीख की रात्रि को नाकाबंदी में जनपद के सामने दो वाहन चोरों को पकड़ा था। उनके कब्जे से जो बुलेट मोटरसाइकिल है वो बरामद की थी। उनसे तफ्तीश की गई, सख्ती से पूछताछ की गई तो उसमें जयपुर के विभिन्न स्थानों से, पार्क, कोचिंग सेंटर और स्कूलों के सामने से 15 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें कबूल की थी। इनके कब्जे से हमने 8 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये अपने भरतपुर जिला, भरतपुर क्षेत्र में और मेवात क्षेत्र में ही आगे बेच देते हैं। कितने में सर? 2500। ये बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं, 5-6 हजार। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ में कई और बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है।